हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वासिंपल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। ठंड का वज्रपात के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बारिश कई बार हमारे इलाके में, चूँकि अब बारिश का मौसम है, तो बारिश जब होता है तो ऐसे में बादल गरजता है और जो ठनका होता है यानी जो वज्रपात होता है, आपने सुना होगा, अपने क्षेत्रीय भाषा में हम उसको कहते हैं कि फला आदमी के ऊपर बिजली गिर गया या फला पेड़ पर बिजली गिर गया, ठीक है, बादल गिर गया। अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने लैंग्वेज में इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये जो वज्रपात है, ये जो ठनका है, इसका जो बहुत प्रभाव बुरा होता है, जिस पर गिरता है समझ लीजिए कि उसको तहस नहस ही कर देता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आपका पेड़ हो, पौधा हो, जो भी कुछ हो, ठीक हो। तो आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि इससे बचाव के लिए आपको आपदा प्रबंधन विभाग ने एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में आपको क्या क्या सुविधा मिलेगी, कैसे आपको चेतावनी मिल जाएगा, ठीक है, पहले ही, जैसे मान लीजिए आप कहीं सफ़र कर रहे हो, कहीं पर जा रहे हो, बारिश का मौसम है, या कई बार बारिश नहीं भी होता है तो बारिश का मौसम जैसे बनाए रहता है, ठीक है, पानी नहीं होता है, लेकिन उसमें भी आपको वज्रपात गिरता है, ठीक है, तो इसमें आपको चेतावनी पहले ही मिल जाएगा, अलर्ट्स मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से एक नया जो एप्लीकेशन बनाया गया है, उसको अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे वो काम करता है, ठीक है। तो आइए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर चलते हैं। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम में भी अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप मैसेज करिए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, और सबसे पहले आपको जाना है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में। सर्च बार में आप यहां पर टाइप करेंगे इंद्र वज्र, ठीक है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्टली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4.0 यहाँ पर रेटिंग इसको मिला है, और साथ ही साथ यहाँ पर 12 MB का एप्लीकेशन है और 100K+ लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड भी किया है। चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसमें फिर रजिस्टर अपने आप को करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, आप देख सकते हैं बड़ा ही फास्ट, यहाँ पर 54% इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर हम आपको आगे की प्रक्रिया बताते हैं। ये आपका इंस्टॉल हो चुका है, सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है, यहाँ पर आपको वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद आप यहाँ से साइन अप पर क्लिक करेंगे। नहीं लेता तो दोबारा से करेंगे। साइन अप हो चुका है, आप देख सकते हैं जो इंटरफेस है वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो अब इंटरफेस को समझिए क्या क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर नक्शा है, उसके बाद जानकारी है, और यहाँ पर सहायता है, ठीक है। जानकारी में आप देख सकते हैं बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग वज्रपात से बचाव हेतु क्या करें क्या ना करें। आपात नंबर में आप फोन लगा सकते हैं 0612-224-244 या फिर 0612-224-243, ठीक है। क्या करना है आपको, यदि आप खुले में हैं तो शीघ्र अतिग्र किसी पक्के मकान में आपको शरण लेना है। सफर के दौरान अपने वाहन में ही बने रहना है आपको, समूह में न खड़ा होना है बल्कि अलग अलग खड़े होना है। यदि आप जंगल में हैं तो बौने एवं घने पेड़ों के शरण में चले जाएं। धातु
से बने कृषि यंत्र, डंडा आदि से अपने आप को दूर कर दें। आसमानी बिजली का झटका से घायल होने पर पीड़ित व्यक्ति को तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में ले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और स्थानीय रेडियो अन्य संचार साधनों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें। यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों और किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पाए हों तो जहां हैं वहीं रहें। हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीज़ें जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। दोनों पैरों को आपस में सटा लें। दोनों हाथों की घुटनों पर रख कर अपने सिर को जमीन की तरफ यथासंभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटने दें। जमीन पर कदापि आपको नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करें और यहाँ पर क्या न करें। खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे के समीप तथा छत पर न जाना है। उसके बाद तालाब और जलाशय के समीप न जाएं। बिजली के उपकरण या तार के साथ संपर्क से बचें और बिजली के उपकरणों को बिजली के संपर्क से हटा दें। ऐसे वस्तुएं जो बिजली की सुचालक है उससे दूर रहें। बाहर रहने पर धातु से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। बाइक, बिजली या टेलीफोन, खंभा, तार की बाड़, मशीन आदि से दूर रहें। ऊंचे इमारत मकान वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें। साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें एवं टेलीफोन बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाली छतों का उपयोग न करें। यदि घर में हो तो पानी का नल, फीड, टेलीफोन आदि को आपको नहीं छूना है। सहायता आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कॉल लगा सकते हैं। अब आइए हम आपको नक्शा बताते हैं कैसे आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो कुछ ऐसा यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वर्षा की जानकारी, खतरनाक वज्रपात और आकाशीय बिजली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें, सैटेलाइट व्यू का नक्शा दिया गया है और यहाँ पर आप इस तरह से नक्शा देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अपने एरिए की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर में आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके स्थान पर कोई सक्रिय अलर्ट नहीं है, ठीक है। इस एप्लीकेशन को ज़रूर से इंस्टॉल करिए और अपने रिलेशन के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और फ्रेश स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बता दीजिए, गुड बाय, टेक केयर।